गुड मॉर्निंग। आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए। चैप्टर सिक्स हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, शब्दार्थ मैं लिखा चुकी थी, क्वेश्चन आंसर लिखवा मैं लिखवा चुकी हूँ और मैंने कविता नहीं लिखाया था। ठीक है, तो मैं आज कविता आप लोगों को लिखवा देती हूँ। ठीक है, पहले मैं कविता लिखवाती हूँ फिर आगे चैप्टर में से लिख पढ़ाऊँ। ठीक है,
क्या है, कौन सिखाता चिड़ियों को चींची चींची करना, कौन सिखाता कुदक कुदक कर उनको चलना फिरना, कौन सिखाता फुट से उड़ना दाने चुप चुप खाना, कौन सिखाता तिनके लाल लाकर घोंसले बनाना, कौन सिखाता बच्चों का लालन पालन उनको माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको। कुदरत का वह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती, हम सब उसके वन अंश की जैसे तरु पशु पक्षी सारे, हम सब उनके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। ये आपका होमवर्क आएगा, ये होमवर्क है आपका, लिख लीजिएगा। जिनके पास बुक नहीं है वो लिख लीजिएगा, जिनके पास बुक है वो याद कर लीजिएगा। के लेखक है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, ठीक है। भाषा की बात में पिछले क्लास में मैं तुक वाले शब्दों को सही अर्थ पर लिखना मैंने बताया था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, जो शब्द पंक्ति से अलग है उस पर गलत का निशान लगाइए, ठीक है। जमीन क्या, सूरज, धूप, रोशनी और जमीन, ठीक है। तो ये तीनों सूरज धूप और रोशनी एक जैसा है ना, ये जमीन अलग है, तो इसमें कट का की लगाएंगे, ठीक है। ये गलत है तो इसमें कटना है, ये तीनों में सही का, ठीक है। और चांद मिलती है, ठीक है। तो ये तीनों से अलग है, तो यहाँ पे कट कीजिए,
और बाकी सबको सही का टिक लगाइए, ठीक है। घर, दरवाजा, खिड़की और घर, रे। तो घर, दरवाजा, खिड़की, ये घर घर है, दरवाजा दरवाजा और खिड़की, ये तीनों एक है। घर में दरवाजा होता है और खिड़की भी होता है ना, तो ये तीनों एक जैसा है और रेल अलग है। तो यहाँ पे रेल पे कट कीजिए, ये तीनों पे सही का टिक लगाना है, ठीक है। फिर बादल, बारिश, पसीना, वर्षा, बादल। जब बादल घिरता है, बादल जब लगता है आसमान में, तो बारिश होती है और वर्षा होता है ना, पसीना नहीं होता, ठीक है। तो ये यहाँ पे पसीना पे कट कीजिए और ये तीनों को पे सही का निशान लगाइए, ठीक है। पढ़िए और समझिए। इसमें है जो दूध बेचता है उसे क्या बोला जाता है, दूध वाला। जो आम बेचता है उसे क्या बोला जाता है, आम वाला। जो फूल बेचता है उसे फूल वाला। जो फल बेचता है वो फल वाला। जो सब्जी बेचता है उसे सब्जी वाला। और जो गुब्बारे बेचता है उसको क्या, गुब्बारे वाला, ठीक है। लेकिन जो दूध बेचती है, मतलब यहाँ पुरुष हुआ या पुलिंग हुआ या स्त्रीलिंग हुआ, ठीक है। जो दूध बेचती है तो क्या होगा, दूध वाली। जो आम बेचती है, आम वाली। जो फूल बेचती है वो फूल वाली। जो फल बेचती है वो फल वाली। जो सब्जी बेचती है सब्जी वाली। और जो गुब्बारे बेचती है वो गुब्बारे वाली, ठीक है। यहाँ बेचता है, यहाँ पुलिंग जहाँ है उसमें वाला लगेगा, और जिसमें स्त्रीलिंग जो है जिसमें बेचती है वो यहाँ वाली लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सोच समझ की बात है। इस कविता को याद कीजिए और लय के साथ कक्षा में सुनाइए। तू मैं कौन कैसे चलता है, चित्र देखकर सही उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कछुआ है, ठीक है। कछुआ जो है इसमें और ऑप्शन में है, धीरे धीरे और चौकसी भरकर, मतलब वो चौकन्ना होके और तेजी से दौड़ता है। वो कछुआ क्या दौड़ता है, क्या नहीं दौड़ता, वो धीरे धीरे दौड़ता है। तो धीरे धीरे पे आप टिक लगाइए। नीचे हिरन है, उसमें ऑप्शन में है रेंग रेंग कर और चौकरी भरकर। तो कैसे चलता है हिरन जो है, वह चौकड़ी भरकर तेज चाल में चलता है ना, तो वहाँ पे चौकड़ी भरकर उसमें सही का निशान लगाइए। यहाँ पे है ये पता नहीं चीता दिया हुआ है सर, छलांग लगाकर धीरे धीरे। क्या कैसे चलता है, छलांग लगाकर चलता है। यहाँ चीटी है, फुदक फुदक कर और रेंग रेंग कर। कैसे चलती है, तो फुदक फुदक कर चलती है, ठीक है। कुछ करने की बात है, अ से अंग तक बिंदुओं को जोड़कर चिड़िया का चित्र पूरा कीजिए। इसमें अ आ से लेके अंग तक
वर्ण दिया हुआ है तो उसको मिला के इस चित्र को, चिड़िया का चित्र है इसको पूरा करना है, ठीक है। जिनके पास बुक है वो कर लीजिएगा, जिनके पास बुक नहीं है वो चिड़िया का चित्र बनाइएगा, जहाँ पे भी ये हो निमल से उसमें वर्ड लिख लीजिएगा, ठीक है, और नीचे नाम लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगले चैप्टर मैं अगले दिन पढ़ाऊंगी, ठीक है।